गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, प्रणब मिश्रा और अदा शर्मा की मच अवेटेड फिल्म द केरला स्टोरी, जिसने अपने शुरुआती पहले दिन में द कश्मीर फाइल्स को छोड़ा पीछे और अपने शुरुआती पहले दिन में 8.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके द कश्मीर फाइल्स को छोड़ दिया पीछे। जैसा कि आप सभी को बता दूं, कश्मीर फाइल्स ने अपने शुरुआती पहले दिन में 3.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तो वहीं द केरला स्टोरी ने अपने शुरुआती पहले दिन में 8.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तो जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले द केरला स्टोरी के बारे में, जिसको बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए को 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इसका आज 5वां दिन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हम जानने वाले हैं कि इसने अपने शुरुआती 4 दिन में इंडियन नेट कलेक्शंस कितने का कर लिया है और इसका आज 5वां दिन शुरू हो चुका है, तो 5वें दिन कितने का कलेक्शंस करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या फिर आप द केरला स्टोरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को बता दूं, द केरला स्टोरी काफी विवादों में घिरी हुई है और इसी के चलते यह बॉक्स ऑफिस पर काफी सुर्खियां बटोर चुकी है और इसी के साथ काफी अच्छा कलेक्शंस करते हुए नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी को बता दूं, आज इसका कलेक्शंस काफी कम होने वाला है। जैसा कि आप सभी को बता दूं, इसके कुछ शहरों में आज गर्ल्सों के लिए टिकट फ्री कर दी गई है, तो हो सकता है इसका आज कलेक्शंस कम निकल के आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को बता दूं, विपुल अमृत लाल शाह के डायरेक्शन में बनने वाली मच एवेटेड फिल्म द केरला स्टोरी, जिसको 5 मई 2023 को सिनेमा घरों में करीब 2300 से ज्यादा स्क्रीनों पर रिलीज कर दिया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़े तो आप सभी को बता दूं, यह एक ड्रामा फिल्म थी जो एक सच्चाई के ऊपर आधारित है और यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शंस करती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते इसको बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छे रिव्यू मिलने के कारण इसको लोगों काफी पसंद कर रहे हैं और लोगों काफी इससे कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बता दूं, यह एक 40 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली फिल्म थी, जिसके कास्ट में आपको काम करती हुई नजर आए प्रणब मिश्रा और इनका साथ दे रहे थे अदा शर्मा, योगिता बिहानी और सानिया मीर जैसे कई उमदा कलाकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि इसने अपने शुरुआती 4 दिन में इंडियन नेट कलेक्शंस कितने का कर लिया है और इसका आज 5वां दिन शुरू हो चुका है, तो 5वें दिन कितने का कलेक्शंस करती हुई नजर आ रही है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी छोटी बड़ी फिल्मों के कलेक्शंस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को बता दूं, इसने अपने शुरुआती ओपनिंग डे में 8.3 करोड़ रुपए का कलेक्शंस किया था। और वही बात करें दूसरे दिन के कलेक्शंस के बारे में, तो दूसरे दिन इसने 11.22 करोड़ रुपए का कलेक्शंस किया और तीसरे दिन इसने 16 करोड़ रुपए का कलेक्शंस किया। और वही बात करें इसके कल के कलेक्शंस के बारे में, यानी कि चौथे दिन के कलेक्शंस के बारे में, तो चौथे दिन इसने 10 करोड़ रुपए का कलेक्शंस किया। ऐसे में इसका टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 45.25 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो टैक्स फ्री होने के कारण इसने अपने शुरुआती 4 दिन में ही अपना बजट बाहर निकाल लिया है और इसका आज 5वां दिन शुरू हो चुका है। तो 5वें दिन बताया जा रहा है कि करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शंस करते ही नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, ये अपने शुरुआती पहले हफ्ते में कितने का कलेक्शंस कर पाएगी? क्या ये लाइफ टाइम में द कश्मीर फाइल्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल ओनली बॉक्स ऑफिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।